अर्शनाथ राजस्थान राज्य में सीकर जिले के निकट स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। वर्तमान में अर्शनाथ नामक ग्राम हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है और सीकर से प्राय 14 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार यह स्थान पूर्व काल में 36 मील के घेरे में बसा हुआ था। हर्षगिरी ग्राम के पास हर्षगिरी नामक पहाड़ी है जो 3000 फुट ऊंची है और इस पर लगभग 900 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिरों के खंडहर हैं। इन मंदिरों में एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है जो शिव स्तुति से प्रारंभ होता है और जो पौराणिक कथा के रूप में लिखा गया है। लेख में हर्षगिरी और मंदिर का वर्णन है और इसमें कहा गया है कि मंदिर के निर्माण का कार्य आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 1030 विक्रम संवत को प्रारंभ होकर विक्रमराज चौहान के समय में 1030 विक्रम संवत को पूरा हुआ था। यह लेख संस्कृत में है और इसे रामचंद्र नामक कवि ने लेखबद्ध किया था। मंदिर के प्रग्राव शेषो में अनेक सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां तथा स्तंभ आदि प्राप्त हुए हैं जिनमें से अधिकांश सीकर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। जयमान शासकों के कुल देवता शिव हर्षनाथ का यह मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है तथा मायमेरु शैली में निर्मित है। विक्रम संवत 1030 के एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चौहान शासक विक्रमराज प्रथम के शासनकाल में एक शिव संत भावरत द्वारा करवाया गया था। मंदिर में एक गर्भगृह अंतराल कशासन युक्त रंग मंडप एवं अर्ध मंडप के साथ एक अलग नदी मंडप भी है। अपनी मौलिक अवस्था में यह मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था जो अब खंडित हो चुका है। वर्तमान खंडित अवस्था में भी यह मंदिर अपनी स्थापत्य वशिष्ठाओं एवं देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तकों संगीतकियों योद्धाओं व कीर्तिमुख के प्रारूप वाली सजावटी दृश्य वालियों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल हेतु उल्लेखनीय है। इस मंदिर से संलग्न एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित दूसरा मंदिर उत्तर मध्यकालीन है तथा शिव को समर्पित है। कुछ दूरी पर स्थित एक अन्य मंदिर भैरव को समर्पित है।